सैकड़ों की संख्या में दर्शकों के बीच जब कच्छ का यह फनकार अपनी 150 साल पुरानी वीणा से सुर छेड़ता है तो समय मानो थम सा जाता है। जिनके कान में भी इनकी आवाज़ पड़ती है वह मंत्रमुग्ध होए बिना नहीं रह पाता। हम बात कर रहे हैं गुजरात के कच्छ के गायक मोरा लला मारवाड़े की। देखो साहब, मैं बॉर्डर पे रहता हूँ, बिल्कुल बॉर्डर पे, छोटा सा गांव में मेरा जन्म, वहाँ रहते धौलावीरा के पास, हड़प्पा वाला ये संस्कृति है ना, इनके बगल में यहाँ की रहती है। तो मैं हर 7 साल के थे तब ये भजन गाने लगे, तो वारसागत मेरे से ये 11वीं पीढ़ी है। ये वीणा मैं बजाता हूँ, इसको 150 साल की उम्र है, तो 7 साल से मैं ये भजन में जुड़ा हूँ बिल्कुल। तो आज तक कच्छ और राजस्थान, ये इनकी एक मिलती जुलती भाषा है, मिठास है, बहुत मिठास है। कोई भी देश विदेश से आए, कि हमारे कोई इंडिया से आए, गांव कहाँ कहाँ से गांव वाले लोग आते हैं, उनको इतनी मिठास आती है कि क्या बात है। मुझे कई देशों में मैं गया, वहां पर पूछा कि मोरा लाला जी आपके कच्छ में राजस्थान में क्या है, तो वो बोला कि हमारी मिट्टी की ये सुगंध है, ये हमारी मिट्टी की सुगंध है, हम इस मिट्टी में जुड़ा गए हैं, मिट्टी हमारे में जुड़ा गई है, तो ये हमारी एक सुगंध है। कोई भी लोग आए उनको हम इतनी मिठास देते हैं, कोई सीमा नहीं है। हम ये समझते कि ये हमारा जय परिवार, इतनी मिठास। वो बोला कि धन्यवाद मोरा लाला जी, क्या बात।